दिल्ली में शराब को लेकर आप सरकार और एलजी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। शनिवार को एक तरफ जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति को लेकर पूर्व एलजी अनिल बैजल की ओर से लिए गए फैसले पर सीबीआई जांच की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर नए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने करप्शन के आरोप में दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण समेत 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। वहीं मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई आबकारी नीति को पहले पूर्व एलजी अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में यह फैसला रद्द कर दिया। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। मुझे उम्मीद है कि सीबीआई इसकी निष्पक्ष जांच करेगी। इससे पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पत्र लिखकर नई शराब नीति की जांच की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।